जो अभी डेयरी खुली थी उनका मुलायम सिंह के द्वारा गोद लिया गांव है ना, तो यहाँ एक डेयरी खुली थी, वहाँ क्यों नहीं देते आप लोग? हम लोन देते रहने, हमारे उनको पैसा लेके सब भाग गई ना, वो इस ना देवल जाला। तो कितना पैसा लेके भागे? कितना वो बताओ तो? 600। 600। तो यहाँ पे जो डेयरी खुली थी उस पे क्यों नहीं आप लोग बेचते? जब रेट ना मिली तो दूध कैसे दिया? अभी चल रही डेयरी या बंद हो गई? बंद हो गई, कहिए बंद हो गई थी। क्या कारण रहा कि बंद हो गई? लेते थे इसलिए जो है वहाँ दिन तक चला, फिर उसके बाद जब तक सरकार थी तब तक लोग ध्यान दे रहे थे, चला रहे थे, लेकिन जब से सरकार गई है तब से वहाँ कोई कर्मचारी या कोई वहाँ जो है आया नहीं। मैं कभी 2 साल में संपर्क किया, एक राज साहब के वही कई बात करते थे, तब से वो भी कभी नहीं मिले। और शहर के नज़दीक का गाँव रहने के नाते यहाँ कॉलोनी में कुछ लोग 50 रुपया लीटर तक बेच लेते हैं, 5-20 रुपया लीटर। तो आपको चलाए? ये अभी हम जून में आए हुए हैं, यहाँ ज्वाइन किए हैं, तो उसके पहले से ही बंद है ये। और बीच में हमने 2 दिन गए हैं, 2 प्रयास किए हैं चलाने के लिए, लेकिन सचिव इच्छुक नहीं है। और हमने जो वहाँ श्री नामवर यादव जी प्रधान हैं उनसे संपर्क भी किया कि डेयरी चलाई जाए, तो उन्होंने ये कहा कि अभी कोई इच्छुक नहीं है चलाने के लिए, जो ही सचिव कोई हम नियुक्त करते हैं तो आपको बता देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनको वाजिब मूल्य उनके दूध का नहीं मिल पा रहा था, और कई ग्रामीणों का आरोप है कि उनके पैसे, बकाया पैसे का भुगतान भी नहीं किया गया। नहीं, जो डेयरी से, तमोली डेयरी से जो दूध हमारे दुखसंग में आता है, आया हुआ है, उसके सारे जो है भुगतान हो चुके हैं अभी तक।